एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए चलिए शुरुआत कुंडा इलाके खबर करते हैं, जहाँ बस हादसे में हुए 3 श्रद्धालुओं की मौत के बाद पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा। बता दें कि हथगुआ थाना क्षेत्र के फूलमती बिसैया नहर पुलिया के पास सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी होने के बाद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वहीं हादसे के बाद करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति रही। आसपास के लोगों ने बताया कि हथगुआ थाना क्षेत्र में हुए बस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों के साथ स्थानीय पुलिस ने किसी तरीके से रेस्क्यू कर 12 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। बताया जा रहा है कि उन्नाव से मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जा रहा श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद बस पलट गई। इस हादसे में संध्या, अनुराग और कृष्णा की मौत हो गई और इसके अलावा दर्जन भर से अधिक लोगों को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि इस बस में कुल 45 लोग सवार थे, जिसमें से 25 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है मामले के लोई करापर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी का। उससे एक्सीडेंट हो गया, इस एक्सीडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, 10 लोग घायल हो गए हैं। जो घायल हैं उन सभी को अच्छे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है, शेष विधिक कार्रवाई सात संकलन के आधार पर की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां नकली तंबाकू की तस्करी में प्रतापगढ़ जिले के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बता दें कि नकली तंबाकू की तस्करी करने में नोएडा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 2 करोड़ रुपए की नकली तंबाकू के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें प्रतापगढ़ सदर के चिलबिला के सीओएम जायसवाल और पट्टी के मनोज कुमार सरोज का नाम भी शामिल है। घटना 8 अप्रैल की है, जब नोएडा पुलिस नकली तंबाकू की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा करने में सफल रही। बताया जा रहा है कि आलू भरे ट्रक में छिपाकर 10 टन तंबाकू ले जाया जा रहा था, जिसमें 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। नोएडा पुलिस की माने तो ट्रक के बाहर की ओर से 16 बोरे में आलू और अंदर 10 टन नकली तंबाकू भरी हुई थी। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ थी। पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें मुख्य आरोपी के रूप में पट्टी इलाके के सुखौ दुबौली निवासी मनोज कुमार सरोज और चिलबिला के सीएम जायसवाल का नाम शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के मां बेला देवी धाम रेलवे स्टेशन से 2 दिन तक देरी से चलेंगी 3 ट्रेनें। बता दें कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का फुट ओवर तोड़ने का कार्य होने के कारण 11 से लेकर 13 अप्रैल तक 3 ट्रेनें देरी से चलेंगी। बताया जा रहा है कि मां बेला देवी धाम स्टेशन पर 3 दिन लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस 2 घंटे, नई दिल्ली पुरी नीलांचल एक्सप्रेस 1.5 घंटे और आगरा कोलकाता एक्सप्रेस 50 मिनट की देरी से आएगी, जिसकी जानकारी रेल विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई है।